हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। नेहा सिसोदिया आज का इंट्रो बाबू ने किया, तो गाइस बताना कि कैसा हुआ है। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से किया है। तो कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे ही एवी बोल दिया मैंने तो। नहीं, एवी नहीं, अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों हमारे दिन की शुरुआत हो गई है, फिर हम लोग आपसे मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर में मिलते हैं। कहते थे आप पसीने पसीने हो गए हो। बताओ। हाँ उधर थोड़ा थोड़ा उधर चलो। कहाँ गए थे? तो गैस बाहर गए थे, पसीने पसीने हो गए हो। फ्रेंच फ्राइज ये ले क्या है? माजा तो रखी थी। हाँ तो अभी लेके आए हैं यहाँ पे फ्राइज। मैंने बनाई थी वो तो इनको ठीक ठाक लगी, ज्यादा खास तो लगी नहीं। बाहर जिस जिसको बाहर की खाने की आदत है उसको कहाँ घर का अच्छा लगेगा। हाँ भाइयों बहनों, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? यस यू आर राइट। और इसमें लाए स्प्रिंग रोल और शत बर्गर है। कैसे हैं ये? ऑलवेज गुड। खाओ, ये रही मिठू। यहाँ पे आज हम बहुत टाइम के बाद छत पे बैठे हैं। तो दोस्तों पापा भी आ गए, अभी तो यहीं थे, पता नहीं किधर गए, उस साइड गए, और ये नीचे भागते हुए पापा के पास गए मिलने। वो शायद वॉशरूम में गए मेरे ख्याल से, तो रूम में गए। संस्कारी दामाद जी भी बीच में, उन्होंने खाना छोड़ दिया। वो पहले पापा से मिलने जा रहे, बोले कि फ्राइज बाद में खाऊंगा, तो ये पहले जा रहे पापा से मिलने। तो कोई गेस्ट आए थे, वो लोग जा रहे हैं, पापा नीचे तक उनको सी ऑफ करने जा रहे हैं, और ये आ गए वापस ऊपर। मिल लिए, नीचे नीचे चलते हैं यार रूम में ना। पापा आए हैं, सुनाएंगे मेरे को। पापा आ रहे हैं, सुनाएंगे कि तुम ये सब क्यों खा रहे हो, मैदा वाली चीजें। नहीं इस फ्राइज के लिए कुछ नहीं कहेंगे, स्प्रिंग रोल के लिए बोलेंगे। फ्राइज के लिए वो कुछ नहीं बोलते कि मैदा वाला चीज थोड़ा सा कम खाना चाहिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। बाकी चलो नीचे चलते, बहुत गर्मी हो रही है। अभी आ गए और ये रही मम्मी। आपने तब से, मैंने कितनी देर से ठंडा रख के गई थी, आपने पिया नहीं? अब पी लिया। तो अभी हम लोग बैठे हैं, बस यहाँ पे भूलू नहीं है और खा रहे हैं। खाना स्टार्ट हो गया, खाने में बनाया आलू के पराठे और आलू टमाटर की सब्जी। अभी पापा खा रहे हैं और ये बैठी हैं यहाँ पे मम्मी। तो लोग खाना खा रहे हैं और ये उल्टे लेटे, इनको खाना नहीं खाना है और भूलू गए हैं यहाँ से। क्या बोल रहे हो? मिर्च तीखी है? सब्जी तीखी बनी क्या? मैंने ही डाला वैसे मसाला, तो तीखा बना ठीक है। इस दिन की शुरुआत हो गई है गौ माता के साथ। नहीं अंदर ही ले आओ। गाइस अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, अभी बाहर गए थे बाबू और आ गए हैं। और भाई कौन कौन देख रहा है सिस्टम और फुकरा को, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है और अपनी मनीषा रानी को? हम लोग तो तीनों के साथ है, कोई भी जीते, अपने लिए तीनों विनर हैं, कोई भी जीते, लेकिन जीतना तीनों में से। अगर पूजा भट्ट जीत गई फिर बिग बॉस नहीं देखूंगी मैं कभी भी। तो थोड़ी देर में मिलते हैं खाने के साथ। दिल से सपोर्ट करे। हाँ दिल से सपोर्ट करे गाइस, अपने फुकरा को, अपने अलविश को और अपनी मनीषा रानी को। खाने में अपन ने बनाया है राइस, साथ में है हमारे पास, क्या है ये गेस करो। गेस क्या करना, दिख ही रहा होगा आपको क्या मस्त राजमा बनाया मैंने। तो अभी खाते हैं, खाना लगाते हैं। राजमा और ये चावल और खा लेते हैं दोस्तों।
तुम अब तारीफ नहीं करेगी, कैमरे के आगे तारीफ नहीं करेगी, पीछे से मेरे गोलगप्पे की तारीफ करेगी। क्या बता रही थी तुम मिठू? बहुत अच्छा गोलगप्पे बनाती है, खट्टा मीठा एकदम मस्त। हाँ, ना पानी इसको बहुत टेस्टी रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। मम्मी से कह रहे कि मम्मी गोलगप्पे बना दे, मम्मी मना कर रही है, कह रही है कि फालतू टेंशन क्रिएट कर रही हो यार, बर्तन धोने पड़ेंगे बहुत सारे। लेकिन हम सोच रहे बना लेते हैं, बना लेते हैं, क्यों देखते हैं, अभी डिस्कशन हो रही है दोस्तों, बनेगा तो वीडियो में आ ही जाएगा। हाँ तो दोस्तों इवनिंग का टाइम हो गया है और यहाँ पे दोस्तों इवनिंग का टाइम तो हो गया, अभी मैं आपको बोल रही थी जैसे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान क्या बना ही लेते हैं, गोलगप्पे गोलगप्पे बनाने की थी प्लानिंग, तो फाइनली हम लोगों का डिस्कशन हो गया है, बात विचार हो गया है, तो डिसाइड ये हुआ है कि गोलगप्पे बनाए जाएंगे, तो अभी हम बना रहे हैं गोलगप्पे, तो वही अपने सूजी वाले गोलगप्पे, शायद मैंने डाली भी हुई होगी रेसिपी। ये रहा सूजी और इसमें घी, घी है तो क्या इसमें, ये तेल है। अच्छा तेल, ये रिफाइंड होता है क्या? रिफाइंड नहीं, रिफाइंड नहीं है, ये मूंगफली वाला तेल है, इसको खूब हम मिक्स करेंगे। बाकी मैंने शायद डाली हुई रेसिपी, तो आप लोग देख लेना, अगर दोबारा चाहिए तो दोबारा बना देंगे, आप बताना। बाकी बस आप लोग बोलते ही तो नहीं हो। हाँ आप लोग नहीं बोलते हो, बोला करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और किस किस को गोलगप्पे पसंद है वो भी जरूर बताना। तो अभी इसको ऐसे मिक्सअप करेंगे दोस्तों, दिखाओ इधर, इसको भी ऐसे अच्छे से डाल दे इसमें मोमन, फिर खूब मिक्स करेंगे। बाकी मैंने गरम पानी लिया हुआ है, तो गरम पानी में हम इसको गूंथते हैं, आटा को गूंथ लेते, फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है देखिए क्या बढ़िया गूंदा है। बाहर का मौसम कितना अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया मौसम हुआ है, एकदम बढ़िया हवा चल रही है, आपको दिख रहे होंगे झंडे वंडे क्या मस्त हवा में लहरा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त मौसम हुआ है। दोस्तों हम अपने गोलगप्पे मिशन पे हो गए हैं शुरू, गोलगप्पे बनाने, और तेल वहाँ गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी, मिठू बेल बेल के मेरे को देंगी, तो करते अपना मिशन कम्प्लीट। हो रहा है गरम, मैंने आपको दिखाया कि हमारा गोलगप्पा मिशन स्टार्ट हो गया, तो फटाफट से बनाएंगे, बाकी अभी पानी बनाना बाकी रह गया, वो भी मैं बना लूंगी, और आलू का मसाला जो उसकी फिलिंग होती है, स्टफिंग होती है, वो भी हम बना लेंगे। तो जैसे बन जाते हैं सारे मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहिएगा, और जल्दी से जाके कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो, अभी के अभी मिलते हैं। अभी आ गए हम बाहर, और मम्मी यहाँ बैठी है, और पापा वहाँ थोड़ा प्याज वगैरह को क्लीन कर रहे हैं। मौसम कतई जहर हुआ है, बहुत बढ़िया मौसम है दोस्तों, बहुत बढ़िया। वहाँ पे आपको एक प्यारा सा कबूतर भी दिख रहा होगा। तो गोलगप्पे अंदर बन रहे हैं, प्रोसेस चल रही है उसकी, दिखाती हूँ मैं आपको। ये आप देख रहे हो, दो तीन हम खा भी गए हैं इसमें से। और बाकी ये बन रहे हैं, फ्लैश लाइट चलाते हैं, तो ये बन रहे हैं, बाकी मिठाइयाँ बेल रही हैं। तो दोस्तों मैं बनाते बनाते बहुत थक गई हूँ, इसीलिए मैं स्लैब पर ही बैठ के अब बना रही हूँ, और बहुत बढ़िया बन रहे हैं गाइस गोलगप्पे। आप देख रहे हो यहाँ पे दिखाना मिठू, कितने फूले फूले बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बन रहे हैं। चाहूँ तो मैं अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकती हूँ, तो आप लोग बताना अपनी राय कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड बनाती हूँ, और बिल्कुल हाइजेनिक, बहुत बढ़िया तरीके से। तो बताना गाइस, कमेंट करना जरूर, सारे बन जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं नींबू पानी। बना मैं रही हूँ, बस क्रेडिट खुद लेना है। क्यों है? हाँ ये सारे कट करने हैं ना, ये सारे कट करने हैं। उधर बैठी है मम्मी और भैया भाभी आए हुए हैं, तो वो बैठे हैं, और हम बना रहे हैं नींबू पानी स्पेशल, मुनमुन स्पेशल। पानी बन के रेडी है, क्या मस्त पानी बना है, इसमें मैंने आइस क्यूब डाल दिए, बड़ा सा क्यूब नहीं बोलेंगे। ये तो आइस का बाप है वैसे, तो बन गया पानी। बस अभी आलू वालू छील लेते हैं, यहाँ खाना बन रहा है, दूध उबल रहा है, बाकी अभी मिठू आलू छील रही है, और ये खड़ी है सृष्टि, हाय कर दे सृष्टि, कह दे सब्सक्राइब कर लो दीदी को, बोल नहीं आता बोलना। गाइस गोलगप्पे बन के रेडी है, और अभी यहाँ गोलगप्पे नहीं आया है, गोलगप्पे भी आने बाकी है। पानी मैंने आपको दिखाया था क्या मस्त बना है, और आलू का मसाला स्टफिंग जो हम करेंगे, प्याज भी मैंने इसमें ऐड किया, और नॉर्मल
नमक मिर्च। और रेसिपी तो अपने चैनल पे पहले से डली हुई है, तो गोलगप्पे आ जाते हैं फिर खाते हैं और खाते हुए मिलते हैं। वेट नहीं होता, मैं कह रही हूँ वीडियो में लूंगी। देख रहे हो आप गाइस, हमारे गोलगप्पे बन के रेडी है, क्या मस्त बने। एक मैं आपको, क्या क्रिस्पी बने, कम से कम बैठ तो आराम से जाओ। दिखाओ दिख दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, तुम आ रहे हो व्लॉग में ऑलरेडी, यू आर इन माय व्लॉग। आपके लिए दोस्तों, हाँ हाँ खाओ 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 यार, जल्दी खाओ। खा लिया? नहीं नहीं तुम खाओ, कोई बात नहीं। कैसे बने? आहा कैसे बने? रिव्यू पूरा खाने के बाद, जल्दी बोलो। रिव्यू खाने के बाद, खाने के बाद रिव्यू। इतने बेकार बने, तुम बता रहे हो नहीं बता रहे कैसे बने? अच्छे बने गाइस, ये बता नहीं रहे। और मेरी अभी कैमरे के पीछे बहुत लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, बता नहीं देते क्योंकि इनसे मैं कब से पूछ रही हूँ, बताओ किस। बहुत सुनना पड़ा है, ठीक है, अच्छा है। झूठ मत बोलो, हकीकत बोलो। कैसे बने बोलो ना? अच्छे बने हैं, घर के भाई। हाँ घर के तो एकदम बढ़िया है। सृष्टि है यहाँ पे, मिठू बैठी है, भोलू अभी दूसरे रूम में, मम्मी पापा। तो अभी मम्मी पापा को बना के दे रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने, पापा बताएंगे। खाइए आप, खाइए सर आप खाइए, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। खाओ आप खाओ। कैसे बने पापा? बढ़िया बढ़िया, बाबा बोलते थे एकदम बढ़िया। बाबा को बहुत पसंद थे गाइस गोलगप्पे, मेरे हाथ के स्पेशली। तो खाते हैं गाइस, फिर मिलते हैं। और ये रहे हमारे गोलगप्पे, इसका तो ली नहीं बहुत। किस सृष्टि ने तो सबसे पहले हाय बोला, नहीं खाते हुए खा रही है अभी छुप छुप के। चलो खाते हैं, थोड़ा अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर। और वो रहा अपना शेरू, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम लेने, तो अभी चलते हैं। चलो शेरू शेरू है। आज क्या बात है, बड़ी मार्केट में रौनक थी गाइस पीछे, अदरवाइज अभी तक बंद हो जाता है ना, ये आज बड़ी रौनक है मतलब। हालांकि 10:00 अभी 10 या 15 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया रौनक है आज। और अभी हम पहुंच गए हैं गाइस घंटा घर से होते हुए हांसी गेट की ओर। तो पीछे क्वालिटी और हैवनोर वाले खड़े थे, तो हमको अमूल वाला आइसक्रीम लेना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं अमूल वाले के पास। देखते हैं वहाँ पे है या नहीं, नहीं तो फिर उन्हीं से लेंगे हम। यहाँ पे है क्या? किधर है? हैवनोर है, अच्छा अमूल है। अरे तुम ध्यान से चलो, धीरे थोड़ा। तो ये बहुत जल्दबाजी हो रही है, कह रहे हैं आराम से लो। मैंने कहा भाई लो जल्दी से चलते हैं, और बाहर का कुछ ऐसा है देखिए ना, एक बहुत है। हो जाएगा, आओ ओए। तो दोस्तों बाहर से आ गई थी मैं आइसक्रीम लेके, तो अभी सबसे पहले मैं इनको खाना देने आई हूँ। मिट्टू गौ माता भी आ गई है, इनको भी दे देते हैं रोटी, बाकी अपने बच्चों को तो दे ही दिया मैंने रोटी, अभी गाय के लिए ले आते जा रहे हैं। तो गाइस हमारी आइसक्रीम निकल गई है, और चलो सबको देते हैं और आइसक्रीम इंजॉय करते हैं। मेरे को दिख भी नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा है। कौन कैसे लो आप लोग?